मदर्स डे के लिए आप लोगों ने 12 तारीख को मदर्स डे है ना, तो अभी बच्चों ने मुझे बताया कि अभी उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है, वो बनाएंगे अभी, है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि मम्मी के लिए कुछ ग्रीटिंग वगैरह बनाओगे तो देखो वो उसको फेंक नहीं सकती और बहुत ज़्यादा दिनों तक संभाल के भी नहीं रख सकती। फिर आप उनके लिए कोई गिफ्ट लाओगे, चूड़ी साड़ी लिपस्टिक वगैरह, तो वो क्या है कि उनके शायद पसंद का भी ना हो, है ना, क्योंकि आपकी चॉइस में मम्मी की चॉइस में फ़र्क होगा, लेकिन फिर भी उनको वो पहनना पड़ेगा क्योंकि आप लाए हो, बिकॉज उनके बच्चे ने किया है उनके लिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा मत करो, बट इसको सेकेंडरी रखो। सिर्फ एक दिन मदर्स डे पे ये करना ज़रूरी नहीं है, आप उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो। पहला तो कि मदर्स डे पे आप ये अपना मतलब दृढ़ निश्चय करना कि आप अपनी मम्मा को हर्ट नहीं करोगे, कुछ उनको उल्टा नहीं बोलोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कभी आपके मन का खाना नहीं बनाए, कभी आपकी बात नहीं मानी, तो अपनी बात उनको प्यार से समझाओगे बजाय कि मुंह फुलाने के या लड़ने के, ठीक है। तीसरी बात कि आप उनके लिए कोई ऐसी खाने की चीज़ ला सकते हो जो उनको पसंद है, ठीक है, वो तभी की तभी खा लेंगी और वो फिनिश हो जाएगा और फिर उनको उसको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं होगी, ना उनको ये दुख होगा कि अरे ये बर्बाद हो गया या कुछ हो गया, अब मैं इसको कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ, ठीक है। तो मेरे आपको 3 सजेशन है, कौन कौन से पूरी क्लास को बताया है ना मैंने, अब आप देख लो कि अभी जो चीज़ बोली अभी आप तुरंत उसको बोल नहीं पा रहे, घर जाके आप क्या पढ़ते हो, क्या रिवाइज करते हो, बोलिए। कोई वो मैंने एग्जांपल दिया है खाने वाला, कोई भी ऐसी बात हो जो आपके मन की नहीं हो रही है तो उनको प्यार से बात करनी है उस बारे में, उनको समझाना है या उनकी बात समझने की कोशिश करनी है। तीसरी बात, हाँ, अगर उनको कोई फास्ट फूड पसंद है, क्योंकि मम्मी ज़्यादातर बाहर नहीं जाती हैं शाम के टाइम में, तो आप उनको वो फास्ट फूड खिला सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप छोटे हो, बना तो सकोगे नहीं घर पे, आप उनको फास्ट फूड खिला सकते हो। कोई फ्रूट उन्हें पसंद है वो फ्रूट ला के दे सकते हो उन्हें, पसंद है वो फ्रूट ला के दे सकते हो उन्हें, है ना। और कोई भी या फिर कुछ और ऐसी चीज़, कोई नमकीन या कोई ऐसी चीज़ वो खाना पसंद करती हो, इससे उनको ये भी खुशी होगी कि आपको उनके फेवरेट्स पता है, है ना। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मदर्स डे के लिए, और मम्मी का डेली ध्यान रखना ज़्यादा अच्छा मदर डे है बजाय कि एक दिन उनके लिए बहुत शोशा करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो गाइज़ ये बात सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसको फॉलो करने की बात है। तो देखो मैं अपनी मम्मी के लिए क्या लाई हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बस आपको ज्ञान दे रही हूँ, ये मैं अपनी मम्मी को दे रही हूँ, मदर्स डे का गिफ्ट है ये।